आप ये जानते होंगे कि दुनिया के फेमस बिलियनियर इलॉन मस्क अपने काम को अलग अलग तरीके से करने को लेकर बहुत ज्यादा फेमस है। तो आज हम उनसे सीखेंगे कि वो टाइम को कैसे मैनेज करते हैं। वो इतनी सारी चीजें कर रहे हैं तो वो टाइम को कैसे मैनेज करते हैं। इलॉन मस्क अपने डेली शेड्यूल को एक नाम देते हैं, टाइम बॉक्सिंग टेक्निक। टाइम बॉक्सिंग टेक्निक का इस्तेमाल करके वो अपने टाइम को बहुत ज्यादा सेव करते हैं। इसमें क्या करते हैं वो सुनो, जैसे ही वो नींद से उठते हैं उनको केवल 5 मिनट लगते हैं अपने पूरे दिन में उनको क्या करना है उसको शेड्यूल करने में। तो शेड्यूल वो कैसे करते हैं वो सुनो, जैसे शॉवर के लिए 5 मिनट दे दिए, 20 मिनट रीडिंग के लिए दे दिए, 30 मिनट मीटिंग के लिए दे दिए, ऐसे ही वो छोटे छोटे ब्लॉक्स में अपने काम को बांट देते हैं टाइम वाइज। अब जैसे मान लो 30 मिनट दिए हैं उन्होंने मीटिंग को लेकर के, तो जैसे वो मीटिंग में बैठे हैं 30 मिनट जैसे ही कंप्लीट हुए वो दूसरे बॉक्स में एंटर हो जाएंगे, चाहे मीटिंग अधूरी है या पूरी है। किसी भी काम को वो करते हैं वो चाहे वो पूरा हुआ ना हुआ वो दूसरे बॉक्स में एंटर कर जाते हैं। इसको बोलते हैं टाइम बॉक्सिंग टेक्निक, जिसको बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और बिल गेट्स भी इसका काफी इस्तेमाल करते हैं। इलॉन मस्क इस टेक्निक के बारे में ये बोलते हैं कि इससे उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसा होता भी कई बार कि हम टाइम बांट लेते हैं लेकिन बहुत ज्यादा टाइम दे देते हैं। तो टाइम बॉक्सिंग से आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो कि मुझे 30 मिनट ही देना है। अब बात करते हैं मेरे दिल के काफी करीब स्टीव जॉब्स की और उनसे हम क्या सीख सकते हैं। उनसे हम सीख सकते हैं परफेक्शन। स्टीव जॉब्स के बारे में ना केवल मैं बल्कि काफी सक्सेसफुल लोग भी ऐसा कहते हैं कि उनके जैसा विजनरी पर्सन ना शायद ऐसा अब तक आया है ना शायद आएगा। वो थोड़े से संकी एंटरप्रेन्योर थे, मतलब काम को लेकर के वो थोड़े संकी थे। परफेक्शन के पीछे वो बहुत ज्यादा भागते थे। वाल्टर आइजैक्सन ने हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू मैगजीन के लिए उन्होंने इंटरव्यू दिया, उसमें बताया उन्होंने कि स्टीव जॉब्स ने अब तक जितने भी प्रोडक्ट्स बने हैं एप्पल कंपनी में उसमें से 80% प्रोडक्ट्स को उन्होंने बीच में ही रोक दिया, क्योंकि उनको हर बार ही लगता था कि इस प्रोडक्ट को और अच्छा बना सकते हैं, इसमें ये प्रॉब्लम है, इसमें ये चेंज करना है, इसमें ये बदलाव लाना है। वो मतलब बेचैन रहते थे, पूरी पूरी रात सोते नहीं थे कि यार कल जो लॉन्च होने वाला है वो शायद अच्छा नहीं है, पता नहीं कैसा करेगा, क्या मैंने ये बेस्ट एवर प्रोडक्ट बनाया है नहीं बनाया है। वो बहुत ज्यादा परफेक्शन में घुस जाते थे। आइजैक्सन कहते हैं कि टॉय स्टोरी के टाइम में भी ऐसा ही हुआ था। जब टॉय स्टोरी मूवी के एनिमेशन पे काम चल रहा था तब स्टीव जॉब्स ने बीच में काम रुका दिया कि इसको फिर से बनाते हैं, स्टोरी थोड़ी सी और एंगेजिंग बनाते हैं ताकि समझने में आसानी हो। इन्होंने एप्पल स्टोर के लॉन्च के वक्त भी ऐसा ही करा और आईफोन के लॉन्च के वक्त भी उन्होंने ऐसा ही करा, पॉज बटन दबा दिया, बोलते हैं कि अब नहीं करते, वी आर नॉट रेडी, इसको और अच्छा बनाते हैं। अब मैं एक स्टोरी बताता हूँ आईफोन को लेकर के, आप बोलोगे कि यार स्टीव जॉब्स का इंसान थे। जोनाथन ईव जो कि एप्पल कंपनी में प्रोडक्ट डिजाइनिंग के हेड है, उनकी टीम बहुत टाइम से काम कर रही थी आईफोन पर, 9 महीने से उनकी टीम काम कर रही थी और स्टीव जॉब्स आते हैं उनके पास में, स्टीव जॉब्स आते हैं उनके डिपार्टमेंट में और स्टीव जॉब्स कहते हैं कि वो पूरी रात नहीं सोए हैं क्योंकि आईफोन की डिजाइन जो है उनको पसंद नहीं आई है। उन्होंने कह दिया कि यार डिजाइन जो है वो और अच्छी बन सकती है, डिजाइनर्स को बोल दिया कि डिजाइन जो है वो उनको पसंद नहीं आई है, शुरू से बनाते हैं पूरा, मतलब कि वो डिजाइन जिसके ऊपर 9 महीने से पूरी टीम लगी हुई है वहां पे स्टीव जॉब्स ने कह दिया कि यार जीरो से पूरा शुरू से बनाते हैं, डिजाइन अच्छी नहीं है इसकी। तो वो कहने लगे कि न्यू डिजाइन पर काम करने के लिए वो वीकेंड की छुट्टी भी नहीं रखेगी। इसके लिए एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए उन्होंने क्या किया था, एम्प्लॉयज को उन्होंने कहा कि अगर आप वीकेंड की छुट्टी लेकर काम नहीं कर सकते, इतनी मेहनत अगर आप नहीं कर सकते, आईफोन की न्यू डिजाइन पर वर्क आप नहीं कर सकते, तो आप ये गन लो और मुझे शूट कर दो, खेल खत्म कर दो। इतने संगीत तरीके से वो मोटिवेट कर देते अपनी टीम को। ये कितना डिफिकल्ट है कि 9 महीने से काम कर रहे किसी चीज पे और उसको जीरो से शुरू करना, इट्स वेरी डिफिकल्ट, मतलब 9 महीने बहुत ज्यादा होता है। जब स्टीव जॉब्स ने धमकी दी उसके बाद में टीम ही मान गई और वो काम करने के लिए राजी हो गई। टाइम मैनेजमेंट की बात हो गई, परफेक्शन की बात हो गई, अब हम बात करते हैं डिसिप्लिन की, जो कि हम सीखते हैं बिल गेट्स से और वॉरेन बफेट से। ये तो आपको ऑलरेडी पता ही होगा कि अगर आपको बिजनेस करना है, बिजनेसमैन बनना है, तो आप इंस्पिरेशन ले सकते हो बिल गेट्स से, और अगर आपको इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्टर बनना है, तो आप इंस्पिरेशन ले सकते हो वॉरेन बफेट से। लेकिन इनसे आप ये चीज भी ले सकते हो जो कि आप अभी जानोगे। एलिस श्राइडर जिन्होंने वॉरेन बफेट की बायोग्राफी लिखी है, इन्होंने बताया कि वॉरेन बफेट के सामने आप साइंस की चीजें लेके चले जाओ, एंटरटेनमेंट की चीजें लेके चले जाओ, कुछ भी लेके चले जाओ, उनका ध्यान भटकता ही नहीं है। आप उनके सामने कुछ भी अट्रैक्टिव लेके जाओगे जिससे आपको लगता है कि ध्यान भटक जाएगा, वो बातों में आ जाएगा, वो आते ही नहीं है, वो एकदम फोकस्ड रहते हैं, डिसिप्लिन लेवल बहुत हाई है उनका। सेम ऐसा ही बिल गेट्स के साथ में भी होता है। बिल गेट्स के पार्टनर पॉल एलन कहते हैं कि जब वो प्रोग्रामिंग करते थे, जब बिल गेट्स प्रोग्रामिंग करते थे, तब वो अपनी जगह से हिलते भी नहीं थे। बिना अपनी जगह से हिले, बिना खाना खाए, बिना डिस्ट्रैक्ट हुए, वो 8-8 घंटे लगातार कोडिंग कर सकते थे, ऐसा बताते हैं पॉल एलन उनके पार्टनर। हम भले ये बात मानते हैं कि किसी इंसान में कुछ चीजें होती है जो गॉड गिफ्टेड होती है, लेकिन ये जो 3 चीजें है, टाइम मैनेजमेंट, परफेक्शन और डिसिप्लिन, अगर आप इनको मास्टर कर लेते हो तब आप बहुत ज्यादा तेज बन जाते हो। बाय द वे मेरी किताब है जिसमें मैं तेज होना सिखाता हूं, 1% और तेज बनो, इस किताब का नाम है। इस बुक में मैं वो स्किल्स बता रहा हूं जो अगर आपने ढंग से पढ़ के अप्लाई कर ली तो आप अपने फील्ड के चीता बन जाओगे। ये स्किल्स स्कूल कॉलेज घरों में नहीं सिखाई जाती है। इस बुक को पढ़ोगे आपको लगेगा कि यार काश ये बुक मैंने पहले पढ़ ली होती। अभी जाओ, इस बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सिर्फ ₹19 की ये किताब है। इससे 20-30 गुना ज्यादा तो हम अपना रिचार्ज ही करवा लेते हैं। अभी जाओ इस बुक को पढ़ो, आज इस बुक को पढ़ के रिव्यू दो इसी वीडियो के कमेंट में कि कैसी लगी आपको ये किताब। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मैं शकील कुलमित्रा से आपके सपनों को सपोर्ट करता हूं।